यू भी आते हैं यही या यही देखते हैं। बीस पच्चीस साल से ऐसा अकाउंट है, सरकार जिम्मेदार है, जो जनप्रतिनिधि है। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये किसी क्रॉस कंट्री रेस का हिस्सा नहीं। सड़क के नाम पर जाना एक गिट्टी दिखेगी, न कोलतार की एक बूंद। 12 चक्के वाले ट्रक के अस्थिप इंजन भी जिस रास्ते पर हिलडुल जाए, जिस रास्ते से गुजरने और आसपास रहने वाले लोगों का तो दमा का टेस्ट कराना चाहिए सरकार को कैंप लगाकर, जहां इतनी धूल उड़े कि दमा होने की 100% गारंटी है। ये वो रास्ता है जो प्राचीन विक्रमशिला धरोहर तक ले जाता है। ये वो रास्ता है जिसका उल्लेख पाहियान ने किया था। बौद्ध काल में इसी रास्ते लामा जाते थे और मुगल काल में भी इस रास्ते का जिक्र होता है। लेकिन बिहार के भागलपुर में नेशनल हाईवे 80 की हालत अब देख लीजिए। टैक्स भरने के बावजूद अगर जनता को टेम्पो टेढ़ा कर देने वाली, ट्रक हिला देने वाली सड़क मिलती है तो क्या ये आम आदमी से धोखेबाजी नहीं, जिसे याद भी नहीं कि कभी यहाँ ठीक ठाक सड़क भी देखी थी। आज तक जब तक हम सब जो है ना यही पर जब से होशियार हुए हैं, जब तक हम सब सड़क को सही नहीं देख रहे। उम्र आप मान के 35-36 होता होगा सर। कभी सड़क सही कभी नहीं देखे हैं। NH80 की यही कहानी है। सरकारें आई गई, राज्य में सरकारें बदली, केंद्र में सरकारें बदली, लेकिन नहीं बदली तो इस NH80 की तकदीर। जब भागलपुर से कहलगांव जाने के 30 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 3 घंटे से ज़्यादा के वक्त लगते हैं, तो इधर की सारी जनता NH80 की दुर्दशा पर आंसू बहाती है। देश में हर 4 मिनट में एक व्यक्ति की जान सड़क हादसे में जाती है। देश में सड़क दुर्घटनाओं के चलते हर साल 5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होता है, यानी देश की GDP का 3% पैसा सड़क हादसों के कारण बर्बाद हो जाता है। और कीमत वो जनता चुकाती है जिसके पास इस रास्ते पर जोखिम लेकर चलने के अलावा कोई चारा नहीं। इतना दिक्कत होता है जाने आने में कि एक्सीडेंट से सिर्फ बचते हैं ऐसा ऐसा जगह पर, इतना दिक्कत होता है सर। अगर बहुत ये भारत सरकार को नरेंद्र मोदी तक पहुंचाया जाए, जो कि हम लोगों को ये सही रोड हो जाए, जो कि चलने में अच्छा और जाने आने में अच्छा हो सर। 1980 में यह सड़क स्टेट हाईवे से नेशनल हाईवे में बदल गई, लेकिन लोग कहते हैं कि पिछले 4 दशक में यह सड़क ऐसी ही रही, क्योंकि आरोप है कि सड़क बनाने से ज्यादा मरम्मत के नाम पर पैसा खाने में दिलचस्पी रही। 95 से लेकर आज तक हर साल करोड़ों रुपया लोग इसको मरम्मत के नाम पे कर रहा है, लेकिन कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं कर रहा। कहते हैं जहाँ से सड़क गुजर जाए वहाँ विकास आ जाता है, ऐसी सड़क से गुजरने वालों का तो वक्त पैसा दोनों सिर्फ बर्बाद होता है। एम्बुलेंस तो यहाँ से गुजरने से बचती है। माननीय पटना न्यायालय के न्यायाधीश महोदय का कार्यक्रम था संभवतः कहलगांव विक्रमशिला की तरफ, और उनको अपना प्रोग्राम स्थगित करके ट्रेन के जरिए आना पड़ा। उनकी काफी आपत्तिजनक टिप्पणी थी जिस पर बिहार सरकार के द्वारा लीपापोती की गई और कहा गया, आश्वासन दिया गया कि इस सड़क को हम जल्द बना रहे हैं। यहाँ बारिश में सड़क में ही दलदल नजर आता है, एक गाड़ी खराब हो जाए तो कई दिन जाम लगता है। 4 लेन की नई सड़क के निर्माण का ऐलान यहाँ पर चुनाव के दौरान किया गया, लेकिन काम शुरू नहीं हो पाया। तो फिर धैर्य संयम और साहस के साथ इस सड़क पर चलने वाली जनता को सलाम करिए, जिसके भाग्य में टैक्स भरने के बाद भी विकास नहीं आ पाया। सुजीत कुमार झा, भागलपुर आज तक।